हम अपने चारों ओर कई तरह की ध्वनियां आवाजें सुनते हैं। ये ध्वनियां जब आपस में मिलती है तो हमें कुछ अर्थ स्पष्ट करती है। ये हमारे चारों ओर जितनी भी ध्वनियां हैं जिसको अपन आवाज बोलते हैं, सुनते हैं, अपने चारों ओर अपन सुनते रहते हैं ध्वनि, और ध्वनि को जिसको अपन बोलते हैं आवाज, मुंह से बोले जाने वाली ये ध्वनियां जब ये ध्वनियां आपस में मिलती है तो कुछ हमें अर्थ स्पष्ट कराती है। जैसे मैं बोला माला, ये ध्वनि है, जब ये आपस में मिलती है तो ये क्या बन जाती है, कोई अर्थ स्पष्ट कराती है। जैसे माला शब्द में ध्वनियां कौन कौन सी है, ये अपना माला शब्द है, शब्द अपन आगे पढ़ेंगे। तो माला शब्द में ध्वनि कौन कौन सी है, जैसे मा प्लस ला, जब ये दोनों आपस में मिलती है तो एक शब्द बनता है माला। इन ध्वनियों को और भी तोड़ा जा सकता है, माला ये शब्द, इनमें मैंने ध्वनियां मा प्लस ला, इनको और भी, इसको भी, इस ध्वनि को भी हम और भी तोड़ सकते हैं। जैसे जैसे मैं प्लस आ प्लस ले प्लस आ, तोड़ा मैंने मैं प्लस आ प्लस ले प्लस आ, ये सबसे छोटी ध्वनि है। ये क्या है, सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि है। अब इसके आगे अपन कोई भी टुकड़े नहीं कर सकते, इस ध्वनि को अब मैं नहीं तोड़ सकता, इसको मैं आगे नहीं तोड़ सकता। ये बस ये सबसे छोटी ध्वनि है अपने वाणी में। तो इस प्रकार आपने देखा कि अपने चारों ओर जो भी अपन ध्वनि सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है, आवाजें आपस में मिलकर क्या बनाती है, ध्वनियां जब आपस में मिलती है तो कुछ अर्थ स्पष्ट कराती है। जैसे माला है, सभी ध्वनियां कुछ ना कुछ अपन को अर्थ स्पष्ट कराती है। जैसे मैंने बोला माला, तो माला शब्द को जब मैंने तोड़ा, ध्वनि है मा प्लस ला, अब इसको भी, इसके भी आगे और ध्वनि है कि मा को जब मैंने और तोड़ा तो किसमें बदला, मैं प्लस आ, और ला को मैंने पढ़ा ले प्लस आ। अब ये सबसे छोटी ध्वनि होगी, इसके आगे कोई भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार अपने पास वर्ण की एक परिभाषा निकल के आई कि वर्ण किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी से छोटी ध्वनि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, टुकड़े न किए जा सके, वाण कहलाती है। जैसे फैट प्लस टू प्लस ले प्लस एल, क्या बन गया, फूल। उसी प्रकार मैं प्लस है प्लस है प्लस ले प्लस, क्या बन गया,
मस्तनी। ये है देखो कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, पहले आपको माला का बताया था कि मा प्लस ला, इस ध्वनि के मैंने और भी टुकड़े करे थे, मैं प्लस है प्लस प्लस है, ये आपस में बनके क्या बना था, क्या बना था, माला। तो मैं प्लस आ प्लस ले प्लस आ आपस में बन गया था माला। उसी प्रकार प प्लस ऊ प्लस ले प्लस ए फूल, मैं प्लस ए प्लस छ प्लस ए प्लस ले प्लस बड़ी दी मात्रा ई, इसको अपन बोलते हैं ई, तो क्या बन गया, मछली। तो अपने सामने वर्ण की परिभाषा निकल के आई कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। इनसे आगे अपन टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे पुल है इसके मैंने दो टुकड़े करे, ये सबसे छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके मैं और इससे आगे कोई भी टुकड़ा नहीं कर सकता, तो वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। उसी प्रकार वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह है, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, उच्चारण की दृष्टि से। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह है क्या कहला रहा है, वर्णमाला। तो हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को हिंदी में कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला है स्वर, दूसरा है अपना व्यंजन, दूसरा क्या है, व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से अपन ने वर्ण को कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, पहला है स्वर और दूसरा क्या है, व्यंजन। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा कि पहले अपन ने वर्ण के बारे में पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। उदाहरण भी देखा अपन ने, फूल और मछली। उसके बाद अपन ने पढ़ा वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का व्यवस्थित समूह ही उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में वर्ण के प्रकार के बारे में बताया कि उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, पहला है अपना स्वर और दूसरा है अपना व्यंजन। ये आज अपन ने पढ़ा, कल अपन पढ़ेंगे कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। आज का होमवर्क, पहला है क्वेश्चन अपना वर्ण किसे कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन है वर्णमाला, किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण की दृष्टि से
हिंदी में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? बांटा गया है, नाम बताइए। नाम बताइए। ये अपने क्वेश्चन आज के नोट डाउन करें। पहला क्वेश्चन अपना वर्ण किसे कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन अपना वर्णमाला किसे कहते हैं, थर्ड क्वेश्चन अपना उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, नाम बताइए। तो उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ये अपना होमवर्क आज का, कल अपन पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।